अस्सलाम वालेकुम जी, शामिल खान वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आप लोग खैर कर रहे हो? जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि बाबा और चले गए हैं उमरा करने, तो उमरा बाबा ने कर लिया है, उसके बाद बाबा और आगे मदीना, तो अभी मदीना आए थे तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया था। तो आज इस व्लॉग में मैं वो वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगा। बाबा वगैरह ने और वीडियोज़ भेजी हैं, बाबा और ने ज़ियारतें की हैं मदीना में, अफ्तारी भी वहाँ अदा की है और अपार्टमेंट वगैरह लिया है, तो वो सारी अब आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। तो चलें वीडियोस देखते हैं। ये जी हम मदीना इंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार आप देख सकते हो जैसे बाबा और मदीना पहुंचे तो अभी जी ये जा रहे हैं बाबा और अपने अपार्टमेंट पे, और आप देख सकते हो बाबा ने ये लंबी वीडियो बनाई है। तो अब अपार्टमेंट वगैरह आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखें और अपार्टमेंट में जाके वो उसकी भी वीडियो बनाई है, तो वो भी आप आगे देखें। और ये वीडियो आगे चलती रहती है, तो आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, आप देख सकते हो बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पे। गर्मी ऐसी पड़ रही है, भावलपुर वाली गर्मी पड़ी टिका के, वहाँ भी बहुत है, वहाँ भी तबाही हुई पड़ी है, लाइटें भी जा रही हैं, शुक्र है लाइटें का सिस्टम तो नहीं है ना। बस बिजली बफर है ना, बस मदीना की गलियां हैं, सड़कें हैं, जहाँ हमारा होटल है वहाँ पर हम लोग हैं। ये सामने होटल है हमारा, इसमें हमने स्टे किया है। और ये बाहर आए हैं लोग, हम अरबाग जा रहे हैं यहाँ से। ये खजूरें माशाल्लाह लगी हुई हैं यहाँ पर, और शॉप्स हैं, और ये रात को खुलती हैं यहाँ पर। रमज़ान शरीफ में बंद रहता है सारा कुछ, रात को तराबियों के बाद। ये टेलर्स की शॉप है ये सामने, ये गाड़ियाँ ठहरी हैं लोगों की। ये अपार्टमेंट है, ये किचन है इसका ना, ये हमें 350 रियाल में मिला है, अच्छा बना हुआ है ये। ये इसका किचन है, ये इन्होंने टेबल दी हुई है, ये फ्रिज है, ये माइक्रो ओवन है, ये एसी लगा हुआ किचन के अंदर, और ये लाउंज है, ये लाउंज बनाया हुआ इन्होंने, ये सोफे रखे हैं यहाँ लाउंज में, ये एसी यहाँ पे लगाया हुआ इन्होंने एक, ये अच्छा है। एक बेडरूम ये गैलरी है, एक बेडरूम ये है तीन बंदों का, ये सामान हमारा पड़ा हुआ। एक इसी इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये भी बेहतर है।
ये सामने वॉशरूम है, एक ये है बेडरूम, इधर अलहदा एसी लगाया हुआ है इन्होंने, ये डबल बेड है यहाँ पे, बेहतर है ये फ्लैट जो है ना, पहली दफ़ा मिला पता नहीं था पहले किसी को। यार ये आप देख सकते हो, ये बाबा और अपने टिकट्स कराने जा रहे थे, ये वापसी की रिटर्न टिकट आगे थी तो पीछे कराने जा रहे थे, तो ये बाबा ने आपको सारा दिखाया है, तो वहाँ जाके फिर अब बना दे मदीना की है नज़ारा है सामने फ्रंट पे। मदीने की गलियों में सैर करते हुए दरख्त कितने लगे हुए यहाँ पे, भूल गया सर ये रास्ता, भूल गया टॉली प्लेयर। सऊदी एयरलाइन टिकट ऑफिस अपने टिकट्स चेंज करवाने के लिए, ये जी बाबा और मदीना की ज्यारतें कर रहे हैं, आगे ये जबल औद भी आएगा और ये मस्जिद जिन भी आएगी इधर, और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, पहाड़ वगैरह हैं, ये ज्यारतें वगैरह कर रहे हैं, तो ये वीडियो बनाई हुई आप देख लें। साथ डब्ल्यू ओ चल रहे हैं, सामने जबल ओहद का पहाड़ है और ये हम मदीने की गलियों में फिर रहे हैं, रोड्स पे सॉरी। एक खजूर का बाग है, एक सामने जबल ओहद का पहाड़ है,
वो मिलती है ना उनकी, वो फिर उसको दो तीन बात में एडिट कर लेगा ना। मदीना सहन में हम लोग ठहरे हुए हैं, रोज़ा मुबारक से भी आए हैं, ये रोज़ा मुबारक है भाई ठहरे में हम लोग। रश लगा हुआ है, बहुत रश है। ये रोज़ मुबारक उम्मत खिजरा है, इधर चलते हैं बिन दाऊद के पास, उसके पास है लोड इस कंपनी का, ये नई कंपनी है ना। ये रोज़ मुबारक से बाहर सलाम दे के वापस आ रहे हैं। ये रोज़ा मुबारक की एंट्रेंस है, सामने रोज़ा मुबारक है और ये दरवाज़ा है। यहाँ पर एंट्रेंस के लिए चार नंबर गेट और ये इफ्तारी लगी हुई है। यहाँ पर इफ्तारी के लोग बैठे हुए हैं, इफ्तारी का सामान रख दिया गया है, सबके पास चीज़ें आ गई हैं। माशाल्लाह लाखों बंदों को इफ्तारी कराई जा रही है यहाँ पर मदीना पाक, ये सब की इफ्तारी लगाई जा रही है माशाल्लाह। वहाँ भी लग रही है इफ्तारी, यहाँ भी लग पर मदीना पाक में ये तकसीम हो रही है सारी, एक एक पैक ये बना कर दे रहे हैं, बंद दे रहे हैं, इसमें दही है, खजूर है, जूस है, सबको हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे ये करवाई जा रही है, ये तकसीम कर रहे हैं सबको। ये फैन चल रहे हैं यहाँ पे सारों को, ये पानी तकसीम किया जा रहा है ये सामने, ये बॉक्स खुल रहा है, इसमें पैक आ रही हैं सारी चीज़ें, तकसीम कर रहे हैं आपको। ये रोज़ मुबारक का रास्ता है सामने से, ये जी इफ्तारी के लिए चीज़ें खुल गई हैं, इन्होंने बंद दिया हुआ है, एक खजूर दी हुई है, दही दी हुई है, टिशू है, मसाला है, पानी है और एक ये सैंडविच दिया हुआ है सबको, इसी तरह सब तकसीम किया हुआ है। ये सारा ये देखो ये दस्तरखान लग रहा है यहाँ पे, तकसीम कर रहे हैं सारे, ये बबली बैठा हुआ पीछे, रात बारिश हुई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, काफ़ी बारिश हुई है। ये सामने इसके अंदर जाते रहते हैं भारत में, सामने मुबारक के अंदर ये दरवाजा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बादल आ गए हैं, बारिश होने वाली है।
روزے کی تیاری ہے انشاءاللہ. روزہ کھلنے میں چند منٹ رہ گئے ہیں الحمدللہ. تیاری سر کی دیکھیں. تیاری کر رہے ہیں. ابھی افطاری میں ایک آدھا منٹ رہتا ہے اور بندہ تیار ہے. بندے کا رنگ کپ ہاتھ میں ہے, دیکھو تیاری پگڑی کھڑا ہے. کسی ٹائم بھی اذان ہوگی ٹھک کر کے منہ میں ڈالے گا, تیاری پگڑی کھڑا فل. ادھر سے رضوان بھائی ہمت ہار چکے ہیں, مال سمیٹنے کے لیے بیٹھے ہیں تیار ہو گئے. شراب بھی پیچھے بیٹھے ہیں. دیکھو اب کیا ہوتا ہے. اب افطاری میں رہ گئے, بندے کو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. استاد کپ تو پیچھے کر لے. افطاری لگ گئی ہے. یہ انہوں نے اس کے اندر ایک دہی ہے, یہ کھجور ہے, اور یہ پانی دیا ہوا ٹشو دیا ہوا ہاتھ صاف کرنے والا. کاوا اور چائے چل رہی ہے اب افطاری کے بعد. اب گاوا اور کاوا اور چائے. یہ ہوٹل میں ہم لوگ آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے. یہ تباک ہوٹل ہے اور یہاں پہ
सुबह सुबह शहरी में ना दर्द शुरू होता दांतों में, अब इस टाइम नाने खा रहे हैं देखो, फिर दर्द शुरू होता कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने बाबा गए मदीना, मदीना में बाबा पहुँचे तो बाबा ने अपना अपार्टमेंट पहले दिखाया, उसके बाद बाबा और गए ज्यारतें वगैरह करने, फिर बाबा और गए अपने टिकट एक्सचेंज वगैरह करवाने, उसके बाद फिर बाबा आ गए हरम, हरम बाबा ने आपको दिखाया, हरम में बाबा ने रोज़ा खोला, उसके बाद सहरी की वो खाना खाया, फिर सहरी भी की। तो ये था जी आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।